सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक डाइवोर्स पिटीशन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये पावर सेक्शन 25 सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उसके अंदर निहित है, उसके अंदर दिया गया है। सेक्शन 25 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए किसी सिविल केस को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकता है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो सेक्शन 25 को आपको निकाल कर पढ़ना होगा। छोटा सा सेक्शन है, इसमें तीन पार्ट हैं, चार चार पाँच पाँच लाइन के पार्ट हैं, उनको पढ़ लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो ये प्रक्रिया है ये क्या है। इसको, ये जो पिटीशन फाइल होती है इसको बोलते हैं ट्रांसफर पिटीशन सिविल। ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जब भी डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स कहीं दूसरे स्टेट में डाली गई है, होता क्या है कि शादी किसी स्टेट में होती है, हस्बैंड वाइफ रहते कहीं और है, और कई बार डिस्प्यूट होने के बाद वाइफ और हस्बैंड अलग हो जाते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि वाइफ अपने मायके चली जाती है, हस्बैंड जहाँ काम कर रहा है वहाँ होते हैं, तो वो फिर हस्बैंड की ओर से जब भी डिवोर्स पिटीशन डाली जाती है तो जहाँ वो काम कर रहे हैं वहीं डाली जाती है, और वाइफ चाहती है कि इस डिवोर्स पिटीशन को ट्रांसफ़र कराकर मैं जहाँ रह रही हूँ, जहाँ मेरा मायका है या कहीं काम कर रही हूँ, तो वहाँ पर लाया जाए। तो इसके लिए वाइफ की ओर से सेक्शन 25 की पिटीशन, ट्रांसफ़र पिटीशन डाली जाती है। इसके अलावा अगर हस्बैंड को लगता है कि वाइफ ने पिटीशन जो डाली है डिवोर्स की वो गलत डाली है, वहाँ वो न कभी रही, ना हमारा मैट्रिमोनियल हाउस रहा, ना शादी हुई, ना हम वहाँ कभी रहे, तो हस्बैंड भी इस ग्राउंड को लेते हुए उस डिवोर्स पिटीशन को ट्रांसफ़र कराकर दूसरे जगह जहाँ उसको उचित लगे वहाँ ट्रांसफ़र कराने के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। वो भी ट्रांसफ़र पिटीशन सिविल ही होती है और सेक्शन 25 सीपीसी में ही फाइल की जाती है। इसके जो ग्राउंड मोटा मोटी तौर पे अवेलेबल हैं वो ये होते हैं कि पार्टी की शादी कहाँ हुई है, पार्टी शादी के बाद कहाँ रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ हुए हैं, और वो कहाँ रहते थे लास्टली, और उनके बीच में डिस्प्यूट कहाँ हुआ है, अगर कोई केस बना है, कोई एफआईआर बनी है, कोई मुकदमा बना है तो वो कहाँ बना है, तो कॉज ऑफ एक्शन वहाँ से माना जाता है और उसी को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करती है। हालांकि देखा यह गया है कि थोड़ा झुकाव सुप्रीम कोर्ट का है कि वाइफ अगर हाउस वाइफ है या जहाँ रह रही है, बच्चे वहाँ हैं या नहीं भी हैं, तो वाइफ जहाँ रह रही है तो थोड़ा झुकाव सुप्रीम कोर्ट का है कि वहाँ पर वाइफ कि जहाँ चाह रही है वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ट्रांसफ़र पिटीशन ज़्यादातर वाइफ की पिटीशन अगर डाली गई है हस्बैंड के पिटीशन को ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो जहाँ वाइफ चाहती है वहाँ ट्रांसफ़र होता है। ये एक झुकाव सा है, ये कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, ऐसा आप कह भी नहीं सकते। हर केस अपने फैक्ट्स पर चलता है और हर केस की अपनी मेरिट्स होती हैं। उसमें मोटा मोटी तौर पर जो कोर्ट ये देखती है कि क्या ये एंड्स ऑफ जस्टिस कैसे होगा, दूसरी पार्टी को सफ़र ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा उसको नुकसान ना हो, बहुत परेशानी ना हो, वो अपने केस को अच्छे से हैंडल कर सके। क्योंकि अब ऑनलाइन हियरिंग होने लगी है, वर्चुअल हियरिंग के कारण बहुत सारे ऐसी बाधाएं ख़त्म हो गई है। तो कई बार ये भी देखा गया है हाल फिलहाल में कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि आप वर्चुअल हियरिंग में अपीयर हो जाइए, जब गवाही के लिए जाना होगा तो चले जाइएगा। तो ये एक नया ग्राउंड, अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें कि ट्रांसफ़र पिटीशंस को डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आकर आप टाइम ख़राब करते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है, चूँकि डिवोर्स पिटीशन एक आउटकम होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का, दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच में कोई ना कोई विवाद हो गया है, तो देखा गया है कि पत्नी द्वारा भी सेक्शन 125 डोमेस्टिक वायलेंस केस या एंटी डोरी केस कई जगहों पर लगाया जाता है और बहुत बिटर लड़ाई होती है दोनों के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट उनको मीडिएट भी कराने के लिए भेज देती है। यहाँ पे मेडिएशन सेल है, यहाँ भेजा जाता है और कई बार देखा गया है कि मामले वहाँ सेटल भी हो जाते हैं। अगर दोनों साथ रहने को तैयार हो जाते हैं तो साथ चले जाते हैं, अगर दोनों डिवोर्स के लिए तैयार हो जाते हैं तो डिवोर्स अपने अपने जगह पर, डिवोर्स अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर लेकर म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तैयार हो जाते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि जब ये नहीं तैयार होते इस बात के लिए या मीडिएशन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट फिर मेरिट पे ऑर्डर पास करती है और ये देखती है कि किसको कन्वीनियंट ज़्यादा रहेगा और हस्बैंड कहाँ रहता है, क्या काम करता है, वाइफ कहाँ रहती है, क्या काम करती है, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों के साथ ट्रैवल करने में या बच्चों के का पालन पोषण कौन कर रहा है, और उनका पालन पोषण करते हुए वो ट्रैवल करके अपने डिवोर्स को कैसे कंटेस्ट करेगा या करेगी। तो इन सारी चीज़ों को टोटालिटी में देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करती है और ये ट्रांसफ़र एक फैमिली कोर्ट से
एक राज्य के फैमिली कोर्ट से दूसरे राज्य के फैमिली कोर्ट में किया जाता है। जहां तक एक राज्य के अंदर जिला के फैमिली कोर्ट के ट्रांसफर का सवाल है, तो उसकी पावर उस राज्य के हाई कोर्ट को होती है, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो आप तभी आएंगे जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में डिवोर्स केस को ट्रांसफर कराना चाहते हैं, और ये प्रक्रिया है जो मोटा मोटी तौर पर मैंने बताई। इसके फाइलिंग की सिंप्लीफाइड प्रक्रिया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है तो बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लॉयर्स द्वारा ही ये किया जाता है। इसमें आपको अपने ट्रांसफर के फैक्ट्स लिखने होते हैं, ग्राउंड्स देने होते हैं, और जो पिटीशन फाइल की गई है उसकी कॉपी लगानी पड़ती है, उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आपकी शादी कहाँ हुई, आपका राशन कार्ड कहाँ है, आपका आधार कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट देकर, और तब आप कोर्ट को बताते हैं कि इन ग्राउंड्स पे मेरा केस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, तो कोर्ट उनको सुनती है, समझती है और तब ऑर्डर पास करती है। इस तरह से ये ट्रांसफर की जो पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की सेक्शन 25 की सीपीसी की, ये सिविल हर सिविल केस के लिए लागू है, और ये बहुत सारे सिविल के मुकदमे भी ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं डिवोर्स की, जो तलाक की प्रक्रिया है उसको एक जिले से, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का। ये प्रक्रिया मैंने ब्रीफ में बताई, ऐसा ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इसके लिए आप किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की मदद ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और चूंकि ये प्रक्रिया आप सिंप्लीफाई कर दी गई है, आप पिटीशन फाइल करते हैं, उसके बाद उसको स्कैन करके एक 25 MB से छोटी फाइल बनाई जाती है, उसको अपलोड करना पड़ता है, हर AOR एडवोकेट और रिकॉर्ड का एक लॉगिन है। अगर आप इन पर्सन करना चाहते हैं तो आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना होगा, उस लॉगिन पर आप फाइल करते हैं, उसके रजिस्ट्री उसको चेक करती है, और चूंकि इसमें बहुत सारे कागज़ नहीं होते, बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं होते, बहुत सारे कोर्ट की प्लीडिंग्स नहीं होती, इसलिए जल्दी ही लिस्टिंग में 10 दिन में सुनवाई में आ जाती है। तो उस तरह से ये प्रक्रिया है, और इसको सुप्रीम कोर्ट में सिंप्लीफाई कर दिया गया है, तो आप ऑनलाइन ये फाइल हो जाता है, और वो जब हस्ताक्षर सबके दस्तखत हो जाते हैं, एफिडेविट अटेस्ट हो जाता है, तभी स्कैन होता है। इसलिए टेक्निकली आप ऑनलाइन नहीं बोल सकते, ये पहले हार्ड कॉपी में प्रिपेयर होता है, उसको स्कैन करके फिर ऑनलाइन फाइलिंग होती है। तो ये प्रक्रिया है, और प्लीडिंग्स भी आजकल ऑनलाइन हो जाती है, ईमेल से जवाब आ जाता है, वर्चुअल हियरिंग भी हो जाती है, तो ये एक सिंप्लीफाई प्रक्रिया हो गई है। और बहुत सारे ट्रांसफर पिटीशन अब रिफ्यूज भी होने लगी है, क्योंकि कोर्ट ये कहती है कि आप वर्चुअली ज्वाइन कर सकते हैं, जब गवाही हो तब एक बार दो बार जाना, और उसके लिए दूसरी पार्टी को बोलते हैं कि आप इनका खर्चा आने जाने का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रुकने का दे दो। हालांकि अगर थ्रेट परसेप्शन है या कोई कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई है, तो वैसे हालत में फिर ट्रांसफर के ही ऑर्डर होते हैं। ये एक मोटा मोटी तौर पर डिवोर्स को ट्रांसफर कराने की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कराने की ये प्रक्रिया है, जो मैंने अभी मोटा मोटी तौर पर बताया।